लगातार ही विश्व कप 2019 को लेकर चर्चा गरमाए जा रहा है, तो इस पर हम बात करते हुए आपके बीच लेकर आए हैं ये खास रिपोर्ट। क्या है डिमांड फैंस की इस बार, क्या कहना है चाहने वालों का विश्व कप में 2019 में। इस बार विश्व कप में नाम टीम इंडिया के बाकी खिलाड़ियों के बीच नहीं जुड़ा युवराज सिंह का, जिसे लेकर खफा फैंस ने नाराजगी तो जाहिर की, साथ ही साथ BCCI को फैसला बदलने पर मजबूर करने की कोशिश की है। BCCI ने बड़ी खुशखबरी दी है कि युवराज की वापसी तय हो सकती है, क्योंकि अब तक फैसला नहीं लिया गया है कि मिडल ऑर्डर पर केदार जाधव के तकलीफ में होने की वजह से, अनफिट होने की वजह से किसे लिया जाएगा। 5 नाम सामने आए हैं, जिसमें ऋषभ पंत का भी नाम है, ईशांत शर्मा का भी नाम है, लेकिन तय नहीं हुआ है वो नाम जिसकी वजह से युवराज की हो सकती है विश्व कप में वापसी। इस पर तैयारी चल रही है, जी हाँ, वापसी को लेकर तैयारी चल रही है। तो मिडल ऑर्डर में जगह मिल सकती है युवराज सिंह को, और इसे लेकर BCCI का बड़ा फैसला अब तक सामने नहीं आया है। खबर यही है कि BCCI फैसला मिडल ऑर्डर को लेकर लेगी अगर केदार जाधव फिट नहीं होते हैं, और इस पर इंग्लैंड में होने वाले मैच से पहले चुनाव का ऐलान हो सकता है। चयनकर्ताओं का फैसला क्या होगा, चयन किसका किया जाएगा, इस पर किस तरह से प्रशंसकों ने राय रखी है, इस पर हम बात करेंगे। तो संतोष पाटिल पहले वो शख्स है जिनका कहना है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इनके खिलाड़ी खेल में युवराज ही किंग है और कोई नहीं। युवराज को वर्ल्ड कप 2019 में खेलने का मौका, एक चांस दो, ये है डिमांड संतोष पाटिल की, जिनका कहना है इन सभी विदेशों के बीच, इन सभी देशों के खिलाफ इंडिया में प्रदर्शन युवराज सिंह का बेहतर है। तो वहीं इसी के साथ आपको बता दें, अभी युवराज ने लिखा, युवराज नहीं तो वर्ल्ड कप नहीं, इंग्लैंड से फाइट करना युवराज का काम है, और रोहित की फॉर्म कौन सी अच्छी चल रही है, अब रोहित पर भी निशाना साधा है। तो वहीं अभी ने ये भी कहा कि इंग्लैंड से युवराज का फाइट बेहतर है। वहीं आवारा ने कहा विराट और रोहित युवराज सिंह से चलते हैं। अब भाई ये जेलिसी तो नहीं हो सकती, लेकिन ऐसी बातें सिर्फ और सिर्फ नाराजगी की वजह से सामने आ रही है। वहीं लैरी डेविड ब्रांचो ने कहा है इंडिया की टीम को कोई भी टीम हरा सकती है, शिखर विराट और रोहित के बिना और कोई भी प्लेयर लंबी पारी नहीं खेल सकता। दिनेश कार्तिक 35-40 और पांड्या, विजय शंकर, जडेजा और धोनी, इन सब को छोड़कर एक धोनी पर विश्वास कर सकते हैं, धोनी अकेला मैच कैसे निकालेंगे। अगर दिनेश की जगह ऋषभ पंत होते और शंकर की जगह युवराज सिंह को मौका दे देते तो इंडिया को कोई नहीं रोक सकता। विकेट गिराने के साथ साथ बड़ी पारी खेलने में, क्योंकि विराट, शिखर और रोहित के साथ साथ इस वक्त धोनी के लिए साझेदारी के लिए युवराज बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते थे। पिछली बार की आंकड़े के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, विश्व कप 2011 में शामिल युवराज की बातें हो रही है। तो वहीं सुदीप तिवारी ने कहा रोहित शर्मा साल 2020 में IPL में राजनीति खेल रहे हैं और 2019 में इसलिए वो इस तरह का कर रहे हैं काम, ताकि 2020 में उन्हें बड़ा मौका मिले, जो युवराज सिंह को मौका नहीं दे रहे हैं। अब राजनीति यहां तक पहुंच गई है, ये बातें कहना है। तो वहीं नितिन लैड का कहना है IPL में युवा को खेलने नहीं दिया गया, उनको खरीदना नहीं चाहिए था, जब खेलना नहीं देना था तो, ऐसी भी नाराजगी है। तो वहीं मोशाहे ने कहा देयर इज़ नो पॉलिटिक्स इन क्रिकेट बट यूवी नीड्स टू बी इन पॉलिटिक्स, यानी कि पॉलिटिक्स यूवी के साथ किया जा रहा है। इसी पर नाराजगी जताते हुए अभिषेक कुमार ने भी कहा, उन्होंने कहा केदार जाधव, विजय शंकर की जगह पर युवराज सिंह, सुरेश रैना बेटर है। वर्ल्ड कप विजय शंकर और युवराज सिंह के एंट्री विजय शंकर के बाहर होने से बेहतर हो सकती है, ये राम बादर दास का कहना है। हर्ष श्रीवास्तव ने कहा यूवी को लाओ, वर्ल्ड कप पाओ। राहुल सिंह ने कहा वी वांट यूवी अगेन इन 2019। अंकुर सिंह ने कहा युवराज इज द बेस्ट। जनरल सिंह ने कहा व्हाई रोहित शर्मा डिडंट लेट युवराज प्ले द IPL मैच, बिकॉज ही नोज ही इज इन फॉर्म, ही इज प्लेइंग वेरी गुड एंड ही इज एक्सपीरियंसड प्लेयर। आई डोंट अंडरस्टैंड जस्ट बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स दे डोंट लेट हिम प्ले देयर, have to take him in World Cup, otherwise it's gonna be hard for India to win World Cup.
टेक यू वी प्लीज। जनरल सिंह ने तुरेश शर्मा को आईपीएल में ना रखने का कारण भी अपनी तरफ से सुझाव के तौर पर रख दिया। तो वहीं एक्सपीरियंस के प्लेयर के तौर पर युवराज पर अब भी भरोसा किया जा सकता है। टीम इंडिया के लिए कठिन रास्ता आसान कर सकते हैं युवराज, यही है डिमांड जनरल सिंह की सुझाव। संजय जैन ने कहा, लग तो रहा है रोहित जानते हैं यदि युवराज प्लेइंग 11 में होंगे तो इंडिया वर्ल्ड कप जीत सकती है, पर लग तो रहा है रोहित नहीं चाहते वर्ल्ड कप जीती, क्योंकि यदि इंडिया जीती तो फिर से विराट ही कैप्टन होंगे। सेकंड, युवराज विराट को अच्छा दोस्त हैं। थर्ड, यदि युवराज टीम में शामिल हुए तो जो एडवर्टाइजमेंट रोहित को मिलने वाले हैं ना युवराज को, आसानी युवराज को मिल सकते हैं, आई मीन मनी। आखिर इंडिया हारेगा तो ही रोहित कैप्टन बन सकता है, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट भी। तो भाई ये तो कमर्शियल एंगल की बातें कर दी संजय जैन ने, रोहित शर्मा इस तरह की बातें कहाँ सोचेंगे। लेकिन भाई ये फैंस हैं, ऐसी नाराज़गी जाहिर कर देते हैं। पंकज शाखला की बात करें तो उन्होंने कहा, युवराज सिंह के बिना वर्ल्ड कप जीतना नामुमकिन ही है। अगर विराट कोहली और सेलेक्टर्स बिना युवराज सिंह के वर्ल्ड कप खेलेंगे तो 101% हारने में वाले हैं ये युवराज सिंह को नहीं खिलाने का गुस्सा और वर्ल्ड कप हारने का गुस्सा। क्रिकेट प्रेमियों को इतना गुस्सा देगी तो विराट कोहली और सेलेक्टर्स का जीना काफ़ी ज़्यादा परेशानियों में डालेगा। युवराज सिंह को लेकर वर्ल्ड कप में लाने के लिए लगातार प्रयास जारी है। सोशल मीडिया पर इसी तरह से बवाल मचा रहे हैं प्रशंसक, जो कि कर रहे हैं ट्रॉल विराट और रोहित को। अब समझना मुश्किल है कि कैसे इस पर होगी बात। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स से तृप्तिक रिपोर्ट।